1946 ईस्वी में उभू के पांचों पंचायत के महानों को उसने इसमें जिक्र करके कहा है कि आदिवासियों का पूजा पाठ पद्धति सरना समाज अपना पूजा करेंगे उसके लिए हम लोग उसको प्रदान कर रहे हैं। ये पता होते हुए भी कि पूरा सरना समाज के पांच स्टेट के लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और अपना धार्मिक प्रक्रियाओं को, विधि विधान को, दर्शन को, कर्मकांड को चर्चा करते हैं और बातचीत करके और उसको सर्वाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 11वां महीना में हमें पता चलता है कि अंदर अंदर सारा कुछ हो गया, तो जब पता चला तो 8 तारीख को हम लोगों ने 8 अप्रैल को सरना धर्म बचाओ महारैली का आयोजन किया। आदिवासियों के आस्था का प्रतीक है सरना स्थल, जिसे फर्जी कागजात के सहारे कई लोगों के हाथ बेच दिया गया। इस मामले को लेकर विधायक चमन लंडा ने किया 13 मई को महारैली का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बिशुनपुर के विधायक चमन लंडा व सिसई के विधायक जिगा सुसारण होरो ने स्थानीय सर्किट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1946 में तत्कालीन रातू महाराजा के द्वारा सरना समाज को धार्मिक कार्य करने के लिए केओ कॉलेज के समीप 8 एकड़ भूमि हुक्मनामा के जरिए लिखा गया था, जिसे कोरोना काल में पिछले वर्ष 15 मई को फर्जी कागजात के सहारे बेच दिया गया। विधायक चमल ने यह भी कहा कि उक्त मामले को लेकर 8 अप्रैल को सरना धर्म बचा महारैली का आयोजन किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को ध्यान में रखते हुए आगामी 13 मई को महारैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1946 ईस्वी में यह जमीन सरना समाज का हो चुका था, लेकिन वर्ष 2004 में कल्पना कुमारी नामक महिला रातू महाराज का वारिस बनकर तत्कालीन सीओ और कर्मचारी से मिलीभगत कर फर्जी रसीद कटवा ली और समाज के कुछ लोगों की मिलीभगत से जमीन को बिक्री करवा दिया गया। संबंधित जगह यहाँ पर क्योंकि कोई निर्माण स्थल तो इनका नहीं है, सरना स्थल ही है जहाँ उसने इसमें जिक्र करके कहा है कि आदिवासियों का पूजा पाठ पद्धति सरना समाज अपना पूजा करेंगे उसके लिए हम लोग उसको प्रदान कर रहे हैं। विधायक ने यह भी कहा कि आदिवासी को सिर्फ आदिवासी ही कहा जाए, क्योंकि पहाड़वासी वनवासी कहने से गाली देने जैसा महसूस होता है, क्योंकि पहाड़ों और जंगलों में सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं। वहीं उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वर्ष 2011 में जनगणना के वक्त जाति वाली कॉलम में 6 जाति के अलावे एक कॉलम अन्य के नाम से जनगणना फॉर्म में था और जब उक्त कॉलम में आदिवासी समाज के लोग सरना धर्म लिखे थे तब 41 लाख आदिवासियों की जनसंख्या पूरे देश में होने का आंकड़ा मिला था। जब उसका पूजा पाठ से संबंधित जगह जहां पर क्योंकि कोई निर्माण स्थल तो इनका नहीं है, सरना स्थल ही है जहां परमा में हो या सरूल में या जिस तरह का भी पूजा पाठ करते हो तो उसको संपन्न कराते हैं। और इस संदर्भ में हमारा गुमला में एक बहुत बड़ा स्थल आज तक एक गुमला में अपना पहचान को बनाने के लिए एक जगह एक स्थल बना था जिसको हम लोग पूर्व में लकड़ी डिपू कहते हैं, जो कॉलेज के ऑपोजिट में है, 6 से 7 एकड़ जमीन है और पिछले 20 सालों से करीब करीब उसमें हर एक बार कार्तिक पुराण जी का जयंती में एक सम्मेलन होता रहा और उसी सम्मेलन में नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कई राज्यों से प्रतिभागी आते रहे और वहीं से उस स्थल को जो पुरखों के द्वारा सीरा सीता जैसा स्थल का औचित्य को बताया गया कि वहां पर किस तरह से आपके पुरखों ने उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में बनाया था, इसलिए वहां प्रतिगमन करना है। तो हम लोग बहुत सारे लोग अब इस समाज के सभी लोग चिंतित हैं कि उसको बेच दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है और
हम लोग जब शुरुआत सही थे, एक खतियान है उसका, इसमें पहाड़ों को राजा ने भी 1946 में, ये उनका हुक्मनामा है जो हम लोग के पास है, 1946 ईस्वी में उगु के पांचों पंचायत के पहाड़ों को उसने इसमें जिक्र करके कहा है कि आदिवासियों का पूजा पाठ पद्धति सरना समाज अपना पूजा करेंगे उसके लिए हम लोग उसको प्रदान कर रहे हैं। 2004 के आसपास में रसीद एन केन प्रकारन कर्मचारी से मिल करके या सीओ से मिल करके और राजा का कल्पना कुमारी नाम करके कोई बहन है या पुपा है जो भी हो, लेकिन उसने रसीद कटवा लिया और फोर्स रसीद कटा करके वो उसको बिक्री करने का प्रयास किया, बिक्री कर ही दिया। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसको खरीद लिए ये जानते हुए, इसमें गुमला के भी लोग हैं, लोहरदगा के भी, सभी को पता था, ये पता होते हुए भी कि पूरा सरना समाज के 5 स्टेट के लोग यहां पर प्रेजेंट करते हैं और अपना धार्मिक प्रक्रियाओं को, विधि विधान को, दर्शन को, कर्मकांड को चर्चा करते हैं और बातचीत करके और उसको सर्वाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने ये 6 महीना में हुआ, मोटेशन भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गया। हम लोग 11 महीना में हमें पता चलता है कि अंदर अंदर सारा कुछ हो गया, तो जब पता चला तो 8 तारीख को हम लोगों ने 8 अप्रैल को सरना धर्म बचाओ महारैली का आयोजन किया और हमारी तैयारी पूर्ण रूप से 8 तारीख के लिए रांची से, लोहरदगा से, गुमला से, मांडर से, सिसई से, बिशुनपुर से या सिमडेगा से, खूंटी से, सभी जगहों से आने का आह्वान किया, सभी आने के लिए हम लोग तैयार हो गए। अनफॉर्चुनेटली ये भारत देश में आज तो 93,000 हो गया, लेकिन फिलअप होने वाली जनगणना फॉर्म में मात्र 6 जाति के कॉलम हैं, जिससे आदिवासी समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।